हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टोर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सोल्यूशन लेके आई हूँ, दैट इज़ काइव का ये आईलाइनर ब्रश। तो गाइज, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम कोई आईलाइनर परचेज करते हैं, चाहे वो जितना भी महंगा हो, अगर उसकी ब्रश अच्छी ना होना तो हम उसे ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आईलाइनर ठीक से अप्लाई नहीं कर पाए तो उतनी महंगा आईलाइनर की क्या फ़ायदा। नॉट ओनली लिक्विड लाइनर, अगर हम कोई जेल लाइनर परचेस करते हैं ना, उसके लिए हमें ऑब्वियसली कोई अच्छा सा आईलाइनर ब्रश की ज़रूरत होती है। तो आप डेफिनेटली इस तरह की एक आईलाइनर ब्रश परचेस कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम काइव। इसकी जो ब्रिसल है ना गाइस, बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही अमेजिंग है। इसे आप कोई भी आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी से आपके आईलाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ पर एक डेमो दिखाऊंगी। तो जैसे कि मेरी एक एलेटिन का आईलाइनर है, सिर्फ ये नहीं, मैंने और भी एलेटिन का आईलाइनर यूज़ किया है। इसकी जो ब्रश है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज ब्रश देख सकते हैं आप, ठीक से हम कुछ भी लुक इससे अच्छी से क्रिएट नहीं कर पाते। तो आप की भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, अगर कोई आईलाइनर है जिससे आप अच्छी से लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो आप इस तरह से ब्रश लेके आपके आईलाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी से विंग लाइनर क्रिएट होगी। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मैं इतनी अच्छी लाइनर यूज़ कर रही हूँ तो ठीक से क्यों वो काम नहीं कर रही है, या फिर ठीक से हम आईलाइनर क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो गाइस गलती आपके आईलाइनर में नहीं है, आपके आईलाइनर के ब्रश में है। तो अगर आपको भी नीट एंड क्लीन आईलाइनर लुक क्रिएट करना है, तो आप ऑब्वियसली इस तरह की एक ब्रश परचेज कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो आईलाइनर ब्रश है, दिस इज़ फ्रॉम काइव, आई टोल्ड यू, एंड वेरी गुड गाइज। आप इससे बहुत अच्छी से डिफरेंट आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हैं, एंड इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके पास ऑब्वियसली इस तरह की आईलाइनर ब्रश होना चाहिए। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो नीचे लिस्ट है, वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।